हम आपको 21वीं राष्ट्रीय राइफल्स की भी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि उसी के थे कर्नल आशुतोष और मेजर सूद। कर्नल आशुतोष शर्मा कमांडिंग ऑफिसर 21वीं राष्ट्रीय राइफल्स के। राष्ट्रीय राइफल्स को वैसे भी आतंकियों का काल कहा जाता है, लेकिन जिस तरह की साझेदारी इन दोनों के बीच रहती थी, जिस तरह के ऑपरेशन इन दोनों ने एक साथ मिलकर किए थे, हर कोई इनकी मिसाल देता है। वो साथ साथ जिए, साथ साथ ऑपरेशंस किए, साथ साथ शहीद हुए। साथ साथ अपने वतन से अंतिम विदाई ली। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद वतन पर निसार हो गए और मिसाल छोड़ गए खुददारी, वतन परस्ती और दोस्ती की। उनकी अंतिम विदाई दिलों पर वो निशान छोड़ गई जो मिटाई नहीं मिटने वाली। ये एहसासों की दुनिया है, यहां शब्द अपनी सामर्थ्य खो देते हैं। और एहसास और विश्वास का ही रिश्ता भी दोनों का। दोस्ती ऐसी कि दुनिया दाद देती थी। कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद सेना की अटूट शपथ से बंधे थे, मगर इतनी ही अटूट दोस्ती भी दोनों की। इस दोस्ती को सलाम खुद सेना ने भी किया है ट्वीट के जरिए। दोनों की दोस्ती की कहानी शुरू होती है 2011 से। कश्मीर के लिए एक ट्रिप जाना था। शहीद कर्नल आशुतोष उन दिनों मेजर थे और उस ट्रिप के इंचार्ज भी। ये वो ट्रिप था जिसमें दोनों ने एक दूसरे के दिल, दिमाग और देश के प्रति समर्पण को जाना, पहचाना और सिलसिला शुरू हो गया याराना का। ये बॉन्ड तब और भी मजबूत हो गया जब मेजर अनुज भी उसी बटालियन में कमीशन्ड हुए जिसमें कर्नल आशुतोष थे। ये बटालियन थी 21 राष्ट्रीय राइफल। जहां तक जान पहचान की बात है तो शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद दोनों एक दूसरे को भारतीय सैन्य अकादमी के दिनों से ही जानते थे। पल्टन के 21 आरआर के जो कमांडिंग ऑफिसर साहब हैं, जो जिसे हम टाइगर बोलते हैं, कर्नल आशुतोष शर्मा, वो दो बार सेना मेडल ले चुके हैं बहादुरी के लिए और बहुत एक्सपीरियंस है इस खेल के अंदर में। सबसे बड़ी बात होती है कमांडर ऑन द ग्राउंड, बाकी तो कोई भी बात कर सकता है, लेकिन जहां पर जो एक्शन है वहां पर जो कमांडर है वो उस सिचुएशन को देखकर काम करता है। अगर उन्होंने ठीक समझा है उस वक्त में कि मेरे को अंदर जाना चाहिए तो गए हैं। दरअसल कर्नल आशुतोष थे ही इतने दिलेर कि एक बार भी उनसे मिलने के बाद उन्हें भूलना मुश्किल था, और यहां तो रोज का वास्ता था। सीनियर जूनियर की हायरार्की बरकरार रखने की जगह वो टीम बॉन्डिंग में यकीन रखते थे। यही भावना मेजर अनुज से दोस्ती की बुनियाद थी। उनकी रगों में खून से ज्यादा जुनून बहता था। जुनून देश के दुश्मनों का दम निकाल देने का था, तो अपने अपनों को आगे बढ़ाने और जोश भरने का भी था। वो हर किसी की बेहद कदर करते थे। फौज के लिए यह कदर ही थी कि वो इसका हिस्सा बने। एक दो बार नहीं, 12 बार असफल रहने के बाद भी उन्होंने सेना में जाने के लिए अपना जुनून कम नहीं होने दिया। 2016 में जब उड़ी में सेना के ब्रिगेड पर आतंकी हमला हुआ था, तो उसका बदला भारतीय सेना ने पाकिस्तान जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया था। 2019 में सीआरपीएफ पर कई सालों में सबसे बड़े आतंकी हमले का बदला वायुसेना ने बालाकोट जाकर वहां पर बमबारी करके लिया था। अब पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस अंदाज से सेना के कमांडिंग अफसर और दो वरिष्ठ अफसरों के साथ साथ कई सारे जवान शहीद हुए हैं, उनके बदले की तैयारी भी भारतीय सेना कर रही है। शहादत से पहले दोनों आतंकियों के लिए बड़ी शामत थे। दोनों ने मिलकर कई मिशन को अंजाम दिया और हर बार कामयाब रहे। अदम्य साहस और पराक्रम के लिए शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा को साल 2019 में सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया था। ये होती है हिम्मत। जब बात देश की होती है, जब बात कमिटमेंट की होती है, जब बात अपने कर्मों की होती है, तो कुछ बीच में नहीं आता है।
बस यही एक अलगपन है, एक्सक्लूसिवनेस है जो इंडियन आर्मी के सोल्जर ऑफिसर्स और कमांडिंग ऑफिसर के अंदर में। ये एक बहुत नशे वाली बात है, एक बहुत पैशनेट बात है। शहीद होने से पहले भी दोनों दोस्तों ने अपने फर्ज को बखूबी अंजाम दिया। उनकी टीम ने बंधक बनाए लोगों को अपनी जान की परवाह किए बगैर सकुशल बाहर निकाला था। ये फख्र उनके परिवारों के चेहरों पर भी है। आंखें नम हैं, लेकिन माथा गर्व से ऊंचा। विडंबना देखिए कि मेजर अनुज की अभी अभी शादी हुई थी। दाम्पत्य जीवन के 4 महीने भी नहीं गुजरे थे कि वो शहीद हो गए। अंतिम विदाई के वक्त भी उनकी पत्नी की निगाहें उनसे हट नहीं पा रही थी, वो एक टक देखे जा रही थी। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इन शहीद परिवारों के साथ है, मगर ये कर्नल आशुतोष शर्मा और अनुज सूद की दोस्ती है जो दोनों परिवारों को संबल देगी। दोस्ती की वजह से दोनों परिवार एक दूसरे से घुले मिले रहे हैं और दोनों एक ही तरह के दौर से गुजर रहे हैं। इन दो दोस्तों की वीर गाथाएं ही दोनों परिवारों का बड़ा संबल बनेंगी। अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। देशभक्ति की जो अलख ये जगा कर गए हैं, जरूरी है कि उस लौ को हम अपने भीतर बुझने न दें।